नए साल में ट्रेन से सफर करना महंगा हो गया है। भारतीय रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे ने यात्री किराए में 1 से 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। नए साल पर इंडियन रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी कर लोगों को तगड़ा झटका दिया है। नया रेल किराया 1 जनवरी से लागू होगा। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर यात्री किराए में बढ़ोतरी का बड़ा असर होगा। देखिएगा भारतीय रेलवे पे हम लोग जो रेल किराया है उसमें थोड़ा सा इजाफा करते हैं, क्योंकि सुविधाएं हम बढ़ाते हैं और यहाँ महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, डीजल का पैसा बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बढ़ा है, तो रेल मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है कि 1 से 4 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया जाए, जो कि डिफरेंट जैसे पैसेंजर ट्रेन का अलग रहेगा, एक्सप्रेस ट्रेन का अलग रहेगा और लोअर क्लास एंड अपर क्लास में तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है थोड़ा सा लोअर क्लास में अपर क्लास में, क्योंकि लोअर क्लास में तो कम ही रखेंगे। तो ये रूटीन बढ़ोतरी है और क्योंकि पहले रेल बजट आता था तब उसके ऊपर डिसाइड होता था, लेकिन क्योंकि रेल बजट आम बजट में शामिल हो गया है तो नए साल के हिसाब से इसको बढ़ाया गया है। रेल यात्रियों की ओर से हमेशा ऐसी शिकायतें सामने आती रहती हैं कि रेलवे सिर्फ किराया बढ़ाता है और एक आम यात्री की सुविधाएं मुहैया कराने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे इस बार रेलवे की तरफ से किराया बढ़ाए जाने के पीछे वजह भी बताई गई है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए किराए से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल स्टेशन और रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।